है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो ऐसा मत पूछना कि सर बोल रहे हैं पागल राजा, इससे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पागल राजा या सनकी राजा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसे बड़ा कर देते हैं। इसका समय काल क्या था भैया? मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो टाइम पीरियड था 1325 से लेकर 1351 था। ठीक है, वही गैसुद्दीन तुगलक के मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और ये जो है गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठते ही इसने अपने राज्य में जो सोने के सिक्के हैं वो चलवाए थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे, और कई धातुओं के जो है सिक्के चलाए थे, ऐसा मिलता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सिक्कों का राजकुमार भी कहा जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिक्कों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये कुछ उपाधियां धारण करता है, उसे देख लेते हैं। वो कौन सी उपाधि धारण करता? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। क्या उपाधि है? ध्यान रखना, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, इसका मतलब होता है ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, इसकी उपाधि धारण करता है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछता है कि अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की उपाधि किसने धारण किया था, तो कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक, उसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ईसा ए महरू नामक। इसने खुद लिखी है ये पुस्तक, इसका नाम क्या है? ईसा ए महरू नामक पुस्तक है ये। ठीक है, इसे किस कारण से पागल और सनकी राजा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, इसे हम आगे देखेंगे। ये याद रख लो क्या क्या इसे कहा जाता था। पागल बोला जाता था, सनकी बोला जाता था। ठीक है, तो ये सब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि पागल और सनकी राजा दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अब इसके किसके साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लें, जानकारी हम प्राप्त कर लें कि इसका साम्राज्य कितना बड़ा था। कहा जाए तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में सबसे बड़ा, ठीक है, साम्राज्य इसी का था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसका साम्राज्य जो है इब्ने बतूता के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक, अगर किसे किसे छोड़ दिया जाए, काश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़ दिया जाए, तो पूरा का पूरा जो भी था लगभग वो सारा हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय साम्राज्य का विस्तार हुआ जो 1328 में दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में ये कांपिल्य है और द्वार समुद्र है, इसी पे इसका अधिकार नहीं था, क्योंकि आपका देवगिरी पे इसका, तो जब राजकुमार के तौर पे रहता है, कब? जब इसके पिता श्री सुल्तान रहते हैं उस समय ये जो है राजकुमार के तौर पर देवगिरी पे राज करता रहता है, तो वहां तो रहता है, मगर द्वार समुद्र और कंपिल एक जगह है वहीं पे कर्नाटक में आपका, वहां पे नहीं रहता, वो स्वतंत्र रहता है, तो वहां पे ये क्या करता है, वहां पे भी उसको दिल्ली सल्तनत के अधीन मिला लेता है, और 1337 में नगरकोट हिमाचल पर एक अभियान करता है, उसे भी दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पर्सनली बात कर लें कि जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था ये क्या था, ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, बोला जाए तो मल्टी जो है टैलेंटेड इंसान था ये। इसके क्या क्या ज्ञान था? इसे गणित के क्षेत्र में ज्ञान था, आपके चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान था, साइंस के क्षेत्र में था, ठीक है, दर्शन के क्षेत्र में था, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में था, इतने सब सब्जेक्ट के इसे नॉलेज था। ठीक है, इसीलिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी बोला जाता है, कि अभी तक ये पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति यही था। ठीक, तो अपना जो भी अपने हिसाब से ये सोचता था कि हाँ ये प्लान मैं कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ दिल्ली सल्तनत पे, तो ये सक्सेस होगा, वो अपने हिसाब से तो सही था। और इतिहासकार भी कहते हैं वो जितने भी निर्णय लिया वो कोई गलत निर्णय नहीं लिया, बस उसे सही ढंग से जो है चला नहीं पाया, उसे नियंत्रण ने सही ढंग से नहीं कर पाया, जिस कारण क्या हुआ, वो अपने निर्णय में विफल रहा। ठीक, तो वो निर्णय देखेंगे हम क्या क्या रहा। ये जितने भी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो ये जो भी आपका इसके मन में विचार आता है करने के लिए वो सबसे डिस्कस करता है, ये अपने धर्म गुरुओं से तो करता ही है, जो इस्लाम के धर्म गुरु होते हैं, साथ साथ जो हिंदू धर्म गुरु होते हैं, ठीक है, जो जैन धर्म गुरु होते हैं, जो बौद्ध धर्म गुरु होते हैं, उनकी भी राय लेता है। इससे क्या होता था कि इसके जो इस्लाम के जो धर्म गुरु थे वो क्या होते थे, इससे गुस्सा रहते थे हमेशा, कि ये अपने आप को बहुत तीस मार खा समझते हैं, कि मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने लगे हैं। ठीक, तो ये इसीलिए इसकी जो शासन काल में जो नियुक्तियाँ होती थी वो एक वंशानुगत ना करा के वो क्या करता था, देखता था कि लोग कितने योग्य हैं, इस काबिल हैं कि नहीं, क्योंकि भाई पढ़ा लिखा इंसान किस पे जाएगा, जाहिर सी बात है
वो लोगों के पढ़ने लिखने पे ही जाएगा, तो वो यही देखता है ये व्यक्ति जिसकी भी नियुक्ति कर रहे हैं किसी पोस्ट पे, क्या उसके वो लायक है या नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर उसके पिताजी सेनापति हैं तो उसका लड़का सेनापति होगा, वो नहीं है तो उसका दामाद होगा, वो भी नहीं है तो उसका गुलाम होगा। ऐसे आपको आगे क्या होता है, इसे इस जो इसने ये किया था कि आपके टैलेंट के बल पे जो होता है क्या पोस्ट देता था, उसे फिरोज शाह तुगलक हटा देता है, वो सेम वही पुराना वाला लागू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या होता है, अपने धर्मगुरुओं को खुश करना होता है, और ये इस पे नहीं था, ये अपने धर्मगुरुओं को ज़्यादा समझता नहीं था, उनकी बातें सुनता था, ठीक है उसे एक कोने रख देता था, बाकी अपने मन से ही करता था जो उसे मन करता था कि हाँ मेरा ही डिसीजन है, ये इसी डिसीजन पे काम होना चाहिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में पहले कुछ जो कहीं कहीं विद्रोह हुए थे उसे पहले हम देख लेंगे। अब आपको ये फिगर क्लियर करा दे रहे हैं, अब क्लियर हो गया होगा फिगर। इसमें पहला है आपका जो विद्रोह, जो नक्शा दिख रहा है ये पूरा का पूरा एमबीटी के समय का है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है, कि इसका कहां से कहां तक पूरा ये सल्तनत था। देख लो यहाँ पे लाहौर है, ये मुल्तान है, ठीक है ये मुल्तान लाहौर, और यहाँ पे पूरा का पूरा नीचे चले जाओगे मदुरई छोड़ के, यहाँ पे ये सब क्या है द्वार समुद्र कर्नाटक का, यहाँ तक इसका राज्य था, साम्राज्य फैला हुआ था, इधर पूरा बंगाल तक था। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि इसके कुछ जो, जैसे ये 1325 में राजा बना तो 1326 या 27 के आसपास आपका कहाँ यहाँ विद्रोह हो जाता है मुल्तान में। जानते हो जब कोई भी अगर सुल्तान बदलता है तो विद्रोह होता है, चाहते हैं कि सब हम स्वतंत्र हो जाएं, अपना राज स्वतंत्र करके राज करें। तो इसीलिए यहाँ पे जो मुल्तान के सरदार होते हैं वो क्या करते हैं, आपके विद्रोह कर देते हैं, तो ये असफल हो जाते हैं, इन्हें भी जो है एमबीटी जो है दबा ले जाता है इस विद्रोह को। उसके बाद से आपके कहाँ, मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पे कंपली ये और द्वार समुद्र में यहाँ पे क्या होता है विद्रोह होता है, इसे भी दबा ले जाता है। उसके बाद से बंगाल में आपका होता है, उसे जो बंगाल का जो विद्रोह होता है ये क्या हो जाता है आपका सफल हो जाता है। उसके बाद से लास्ट में आपका जो है यहाँ पे वारंगल में जो है एक राजा रहते हैं, वो क्या करते हैं वारंगल को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, कुछ समय तक इसका जो है शासन रहता है, फिर बाद में आपका 1337 या 38 के समय इसे वो स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, उसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। चलिए अब बढ़ जाते हैं इसके जो एक्सपेरिमेंट थे कि ये क्या क्या अपने शासन काल में एक्सपेरिमेंट किया था, कौन कौन से डिसीजन लिया जिसके कारण इसे इतिहासकारों ने ऐसी संज्ञा दी कि पागल बुलाने लगे, इसका नाम जो हो गया रोशन हो गया भाई। उस इस चीजों को देख लेते हैं, तो वो क्या क्या थी। एक तो पहला इसका जो था वो था राजधानी का परिवर्तन। इसने क्या किया था 1327 में, जैसे 25 में गद्दी पे बैठा तो इसने कहा कि 1327 में राजधानी का परिवर्तन कर दिया, मतलब राजधानी दिल्ली से बदल के देवगिरी के पास ले गया, और जहां देवगिरी को ले गया, जहां पे अभी पिछले वाले आप इसमें देख रहे हो ये जो देवगिरी है, ये इसी का नाम क्या रख देता है दौलताबाद रख देता है वो, ये देवगिरी है यहीं पे अपनी राजधानी ले जाता है, और इसी का नाम जब ले जाता है तो उसका नाम रख देता है दौलताबाद। तो यहाँ से दिल्ली से लेके दौलताबाद तक ये दौड़ता ही रहता है, ठीक है तो वही करता है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट कर देता है। अब इसमें जो है कई लोगों का अलग अलग मतभेद है, वो हम देखेंगे क्या इतिहासकार क्या कहते हैं इसके बारे में कि क्यों ये दिल्ली से जो है दौलताबाद राजधानी ले गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो था देवगिरी पे मैक्सिमम टाइम था, जब ये राजकुमार रहता है तो कहाँ राज करता है देवगिरी पे ही राज करता है, वहीं से वारंगल पे आक्रमण करने गया रहता है अपने पिताजी के समय में, ठीक। तो इसलिए ये चाहता है कि हम जो है अगर साउथ में कंट्रोल पाना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा देवगिरी को राजधानी बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इसका जो शिफ्ट करने का मेन रीज़न था वो यही रीज़न था। अब कुछ इतिहासकार इसे बताते हैं कि अलग अलग रीज़न था, उसे देख लेते हैं कि वो रीज़न क्या क्या था अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार। देखो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार, जैसे हम बात करें फरिश्ता के अनुसार बात करें तो फरिश्ता के अनुसार सुल्तान दिल्ली की जनता को दंड देना चाहता था, ठीक है, इसलिए क्या किया दिल्ली को जला दिया और दूसरी राजधानी बना लिया, ये फरिश्ता कहते हैं, ठीक। अब सबके अलग अलग मतभेद है। इब्ने बतूता क्या कहते हैं भैया,
ये कहते हैं दिल्ली के लोग सुल्तान को, ठीक है, गाली भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान उनको दंडित करने के लिए, दंड देने के लिए उन्हें छोड़कर दूसरी जगह अपनी राजधानी बसा लिया। मगर मेन इसका जो मकसद है, जो सबसे ज़्यादा बोला जाए इतिहासकारों के द्वारा सही माना जाता है, वो ये था कि ये साउथ में अपना कंट्रोल खो रहा था, दिल्ली से बैठकर साउथ को कंट्रोल करना वो मुश्किल हो रहा था। तो इसने सोचा ऐसे सेंट्रल जगह पे एक राजधानी बना लिया जाए जहाँ से हम दिल्ली को भी कंट्रोल कर लें और साउथ की भी जितनी हमारी साम्राज्य में जो भी आ रहा है, जैसे द्वार समुद्र हुआ, वारंगल हुआ, मदुरई हुआ, इन सब पे भी हम अपना कमांड रखें। तो इसका जो है मकसद तो मेन यही था। अब ये विफल क्यों हो गया? क्योंकि भाई दिल्ली से लेके दौलताबाद की दूरी जो है 1500 किलोमीटर की है। अब ये जैसे ही राजधानी परिवर्तन किया और वो बोला कि भैया सभी लोग जो दिल्ली में हो सभी लोग दौलताबाद चलो। अब लोग वहां से पैदल पैदल 1500 किलोमीटर, सड़क वड़क तो इसने बनवा दी थी चलने के लिए, 1500 किलोमीटर जाने में कई लोगों की हालत खराब हो गई, कई लोग रास्ते में ही मर गए। यह भी कहा जाता है कि रास्ते में इसने व्यवस्था किया था विश्रामालय का, मगर वो सबके लिए जो है क्या हुआ, मुमकिन नहीं था कि रुक। ठीक, कुछ इतिहासकार इसमें ये कहते हैं, बर्नी कहते हैं कि सभी को दिल्ली से जो है दौलताबाद नहीं भेजा गया था, तो किसको किसको भेजा गया था। उनके हिसाब कहा जाता है कि जो जो अमीर लोग थे, जो साधु संत थे, जो उनके धर्म गुरु थे, उनको, जो कुतुब मीनार के आसपास के लोग रहते थे, उन्हें क्या किया गया था, कहा गया था भैया आप दौलताबाद जाओ। वो लोग दौलताबाद में गए, उन्हें घर दिया गया, वहाँ पे रहे। मगर कोई अपना जहाँ रह जाता है ना, जैसे तुम लोगों के साथ भी होता होगा, जब 12th पास करते हो, ग्रेजुएट होने के लिए कहीं दूसरे शहर में जाते हो, चाहे किसी दूसरे राज्य में जाते हो, तो क्या होता है, पहले सेमेस्टर तक तो मन नहीं लगता है, फिर धीरे धीरे जैसे तैयारी और दोस्ती बढ़ती है तो दूसरे सेमेस्टर में मन लगने लगता है। ठीक वैसे जैसे साल बीतता है, 2 साल बीतता है तो घर तो भूल ही जाते हो। तो वैसे इन लोगों के साथ था, जब जैसे जैसे ये लोग यहाँ दौलताबाद में आए थे तो उनको दिल्ली की याद ज़्यादा सताने लगी थी। और सुल्तान को भी जिस मकसद से उन्होंने किया था वो मकसद इनका कामयाब नहीं हुआ। जैसे ये दौलताबाद में बैठने लगे तो दिल्ली पे क्या हुआ, आक्रमण शुरू हो गया, उधर विद्रोह होने लगा। तो अब ये जो दिल्ली से दौलताबाद रनिंग करते रह जाते थे, तो ये सोचे भैया सबको भी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे जनता को भी दिक्कत हो रही है, तो चलो अब फिर से क्या करें, दौलताबाद से राजधानी शिफ्ट करके फिर क्या करें, दिल्ली शिफ्ट कर दें। इस पर भी इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है। कुछ कहते हैं कि जो है ये इसामी जो हैं आपके इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि 14 वर्ष बाद फिर से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। मगर कुछ इतिहासकारों का कहना ये है कि तुरंत जैसे उसे लगा कि ये हमारा जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो फेल हो रहा है, तो उसने क्या किया, तुरंत क्या किया, दिल्ली से, दौलताबाद से दिल्ली फिर से शिफ्ट कर दिया राजधानी को। ठीक, तो फिर से कुछ लोग जो जिंदा बच गए थे वो दौलताबाद से दिल्ली जाने में समाप्त हो गए। तो इसीलिए इसे पागल मूर्ख कहा जाता है, और किसी लिए नहीं कि हाँ एक बार पहले दौलताबाद ले गया फिर दिल्ली ले गया। आगे और भी है, और क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला कारण क्या था भाई, अब ये सब तो कर लिया भाई, राजधानी को शिफ्ट कर लिया। यहां से क्वेश्चन भी बोलता है कि कौन सा राजा जो है, कौन सा सुल्तान आपका दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट किया। ठीक, और देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा, तो कौन रखा, MBT रखा, याद रखना एक क्वेश्चन आपका। उसके बाद से इसने सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी जिसे कहा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है टोकन मनी या सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, तो क्या कहोगे, MBT ने चलाया था। ठीक, इसने क्या किया, जब यह सब इतना जो है दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली जाने में, उसके बाद से भाई पैसा तो खत्म होगा ही होगा, और उसी समय क्या हुआ, विश्व स्तर पे चांदी की कमी पड़ गई, तो जो चांदी के सिक्के चलते थे इसने क्या कि बंद कर दिया, और उसकी जगह पे उसके इक्विवेलेंट बोल सकते हो कि जैसे अगर चांदी के सिक्के का 1 टका चांदी का सिक्का है, उसके इक्विवेलेंट इसने जो है सिक्के चलाए, किसके, कांस्य के या पीतल के, वो अलग अलग, या तांबे के, वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। जैसे बर्नी कहता है कि इसने तांबे के सिक्के चलाए, और इब्ने बतूता कहता है कांस्य के सिक्के चलाए, और इसामी कहता है कि पीतल के सिक्के चलाए। तो सभी इतिहासकार अलग अलग बताते हैं कि सांकेतिक मुद्रा में इसने चांदी को बंद करके
तांबे के, कांस्य के और पीतल के सिक्के चलाए जिसको इक्वेलेंट सेम वैल्यू दे दिया गया कि अगर 1 टका चांदी का जो सिक्के की वैल्यू होती थी सेम वही आपके तांबे की वैल्यू होगी। अब इसमें भी लोग इमोशनल हो गए थे इस सब चीज़ों से। अब भाई इमोशनल तो हो ही जाएगा कोई। अब सपोज करो आप ही के घर में सोना है, घर में मम्मी है, उनसे कह दो कि मम्मी ऐसा है सोना का जो है गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने आज कह दिया है कि जो आपका ये सोने का जो भी अंगूठी है इसकी जो वैल्यू है ये हमारे 2 रुपया के बराबर है, जो रुपया कॉइन आपका चलता है उसके 2 रुपया के बराबर है। तो तुम तो समझ गए मगर मम्मी तुम्हारी नहीं समझेंगी। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल है सोने से। ठीक है, सोने से इमोशनल है कि सोना भाई मतलब उनके नज़र में सोना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, तो इसलिए वो ये गलत नहीं था कि इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा अगर इस पे ये नियंत्रण कर लिया होता तो ये अपने योजना में सफल हो गया होता। ठीक है, तो यही हुआ कि कुछ जो जनता थी वो करेंसी को लेकर इमोशनल थी तो इसलिए वो चांदी के बजाय दूसरा कोई उन्हें मिलता था तो उन्हें हजम नहीं होता था, तो इसके लिए भी जनता थोड़ा विद्रोह करने लगी। और साथ ही साथ में जब ये कांस्य और पीतल के होने लगे, चलने लगे, तो लोगों ने क्या किया, जो अमीर अमीर लोग थे सभी ने अपने अपने घर में टकसाल खोल लिया और नकली सिक्के उसी तरह सेम टू सेम जो है छापना शुरू कर दिए। अब मार्केट में भैया बहुत ढेर सारा सिक्का हो गया। ठीक, अब मार्केट में जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो वही हुआ। और क्यों ये विफल हो गया इसका ये योजना, क्योंकि इसने कोई निगरानी तंत्र जो है स्थापित नहीं किया था, मगर कोई इसका उस पर कंट्रोल करने के लिए कि अगर इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया तो कम से कम इतना ये हो कि आप अधिकारियों को नियुक्त करो कि कोई ऐसा जो है इसकी नकल ना कर पाए। तो इसने क्या किया, बाद में इस योजना को भी इससे क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा, और बोला भैया जिनके पास ये सिक्के हैं वापस दो, मैं इसके बदले में चांदी के सिक्के दूंगा। भैया जब विश्व में चांदी की कमी है तो कहाँ से चांदी के सिक्के दे देंगे? तो उसने क्या किया चालाकी से कि जो चांदी के साथ साथ कुछ और धातुओं को मिक्स करके वो सिक्के बना के दिया गया, जिसे काला जो है कहा जाए टका बोला जाता था, काले काला टका। ठीक है, इसीलिए उसे देना शुरू कर दिया। और जितने भी सिक्के जो है आपके नकली निकले उसे पूरा राज दरबार के बाहर ही इकट्ठा कर दिया गया। कहा जाता है बहुत सारा पूरा एक पहाड़ जैसा शेप में नकली सिक्के बरामद हुए थे। ठीक, तो ये जो है एक तरह से बोला जाए कि इसका कंट्रोल नहीं रहा कि वो कंट्रोल कर पाए कि इसके नकली सिक्के मार्केट में ना आ पाए, इस वजह से इसकी ये योजना क्या हो गई, विफल हो गई। और सभी को जिन भाई जब वापस मांगा वो पुराने सिक्के जो उसने सांकेतिक मुद्रे चलाए थे, कहा भैया सब लोग जमा करो मैं आपको चांदी के सिक्के दूंगा, तो इसका राजस्व क्या हो गया, धीरे धीरे खाली होता चला गया। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं अगला इसका क्या था। हाँ, एक बात और, इससे पहले ऐसा नहीं था कि मैंने बोला ना कि ये पहला नहीं था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। इससे पहले कौन, ईरान के जो शासक थे गजान नाम था उनका, उन्होंने चलाया था, वो सफल हुए थे। ठीक, और चाइना के जो शासन थे, चीन के जो शासक थे मंगोल शासक कुबलाई खान, इन्होंने भी चलाया था, ये भी सफल हुए थे। इन्हीं को देखकर MBT ने इंडिया पर जो है सांकेतिक मुद्रा चलाया था, मगर इसके जो है कंट्रोल में लोग जो है कमी रह गई, इसके नियंत्रण में कमी रह गई, जिसके कारण क्या हुआ, इसका जो है ये प्लान जो है विफल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, एक है इसका इसी में खुरासन अभियान। खुरासन अभियान क्या है, तो इसमें क्या हुआ था खुरासन अभियान में, कि ये चाहता था कि पूरा उधर मुल्तान, खुरासन मैंने बताया था शुरुआत में, ईरान जब मैंने आपको पढ़ाया था मुस्लिम आक्रमण, तो उस समय खुरासान जो है आपको मैं दिखाया था कि कहाँ का क्षेत्र था, ईरान के आसपास का क्षेत्र था, वहाँ तक ये कब्जा करना चाहता था। वहाँ तक जब कब्जा करना चाहता था तो उसके लिए सेना बहुत बड़ी चाहिए, तो इसने क्या किया था, अपने सैनिक में 1 लाख सैनिकों को भर्ती कर लिया था कि मुझे वहाँ तक आक्रमण करना है, सेना की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ क्या किया, 1 लाख सैनिकों को 1 साल का वेतन एडवांस में पेमेंट कर दिया। एडवांस में पेमेंट करने के लिए जो है बोल दिया था कि मैं एडवांस में 1 साल का वेतन आपको दूंगा, और वो कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, कि भैया कुछ पैसे तो इसके कहाँ खत्म हो गए, दिल्ली से दौलताबाद आने जाने में, कुछ इसके सांकेतिक मुद्रा जो उसने चलाया था उसके बदले में जो चांदी के सिक्के दिए वहां खत्म हो गए, राजस्व इसका कमजोर पड़ने लगा। और यहाँ पे ये खुरासन अभियान जो इसने सोचा था वो क्या किया, वो भी इसने टाल दिया। क्यों, क्योंकि तैमूर जो है, तैमूर आपका उसने क्या किया, पूरा पूरा खुरासन को
एकत्र कर लिया, वो काफी पावरफुल उस समय राजा बन गया, तो इसने उससे पंगा लेने की नहीं सोची। ठीक, इस वजह से क्या हुआ, इसने ये प्लान क्या किया, कैंसिल कर दिया और कुछ सैनिकों को हटा दिया। जब सैनिकों को हटा दिया तो सैनिक विद्रोह कर दिए, ठीक, कि भैया हमें पैसा नहीं मिला, भर्ती तो कर लिए थे, तो और जो सैनिक थे उनको कुछ पैसा दिया, तो जिसके कारण उसका राजस्व क्या हुआ, कमजोर पड़ता चला गया। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद से क्या हुआ, तो भैया जब राजस्व कमजोर पड़ जाएगा तो क्या करेगा इंसान, कहीं ना कहीं से पैसा लाएगा। अब देखते हैं उसके लिए पैसा क्या लाएगा। जो सेना बची थी उस सेना से इसने कुछ जो विद्रोह हो गए थे उधर आपके काश्मीर साइड में और हिमाचल साइड में, उसको शांत करने के लिए, उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए इसने अभियान किया, जिसका नाम था क्या, करांचिल अभियान या कराजल अभियान बोलते हैं। कुमायूं और हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र थे वहां पर इसने किया था। कब किया था, 1337 के आसपास में किया था। इसमें क्या किया कि जो उधर पहाड़ी क्षेत्र थे वहां पे क्या करते थे, जो भी आक्रमण होता था, कहीं से विद्रोह होता था, लोग विद्रोह करके वहीं के जाके छिप जाते थे राजा छोटे छोटे। तो उसने क्या किया कि इनको अपने में दिल्ली सल्तनत के अधीन करने के लिए सेना भेजी, सभी जगह इसने कब्जा कर लिया। साथ ही साथ इसका एक जो सेनापति था खुसरो मलिक, इसने बिना इनकी आज्ञा से तिब्बत की तरफ जो है सेना लेके, 10,000 बोला जाता, 10,000 सेना लेके चला गया और रास्ते में कहीं भटक गया रास्ता, और कुछ सेना जो है उसी रास्ते में, कहा जाता है कि 10,000 सैनिक लेके गया था, सिर्फ 10 सैनिक जो है वापस आए थे यहाँ से, इस अभियान से। ठीक, तो इस अभियान भी इसका कोई जो है कोई खासा नहीं रहा। अब आ जाते हैं भैया, जब पैसा कमी हो गया तो पैसा तो जनता से कहीं ना कहीं से निकालेगा, तो पैसा निकालने के लिए ये क्या किया कि जो आपका दोआब क्षेत्र है गंगा और यमुना के बीच का, जो आपका ये रीजन पड़ता है आपका कानपुर से इलाहाबाद आपका, ठीक है, ये जो रीजन है मैं दिखा दे रहा हूँ, वो रीजन कौन सा है मैप में आपको, ये रीजन है ये देखिए गंगा और यमुना, ये देखिए आपकी गंगा है, ये गंगा रिवर है और ये आपकी यमुना रिवर आ रही है, ये दोनों यहां मिल रहे हैं, तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र है इसी को क्या बोलते हैं, गंगा यमुना दोआब बोलते हैं। इस रीजन पे उसने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, 50% टैक्स लेने लगा उपज का। तो अब यहां पे किसान जो है विद्रोह करने लगे। आ जाते हैं आगे, देख लिए आप लोग सभी लोग, हाँ, तो उस रीजन पे क्या हुआ, टैक्स बढ़ा दिया, 50% कर दिया, जहां पे लोगों से टैक्स लेने लगा। अब वहां पे लोगों ने विद्रोह कर दिया और उसी समय में क्या हुआ था, आपका अकाल पड़ गया था। एक तो और किसानों के ऊपर से टेंशन की 50% हमें टैक्स देना है भाई, और अकाल भी पड़ गया है, तो किसान तो एकदम अपना आपा जो है खो बैठे थे। वो सोच रहे थे अगर मिल जाता है एमबीटी तो यहीं इसको मार गिरा देते, ठीक है। तो किसानों का विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को शांत करने के लिए किसानों का, कि भैया ये किसान अगर रहेंगे तभी तो हमें टैक्स मिल पाएगा, तभी तो खेती हो पाएगी, तो इनको जो है शांत करने के लिए एमबीटी ने फिर एक कारनामा रचा। वो क्या था, इसने एक जो विभाग बनाया जिसे कहा जाता दीवाने अमीर, ठीक है, दीवाने अमीर को ही, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, दीवाने अमीर को ही जो है कौन सा विभाग था और किसने इसे बनाया था, तो एमबीटी ने बनाया था। और इस विभाग का मेन मकसद क्या था, कृषि विभाग था। इसका मेन मकसद यह था कि ये किसानों को क्या दे, ऋण दे। जैसे आज के समय में क्या होता है, आपको बैंक से केसीसी पे जो है क्रेडिट कार्ड पे ऋण मिलता है ना खेती करने के लिए, तो सेम इसने भी शुरू किया था कि आपको कार्ड बनवाए और आपको ऋण दे, पैसा दे कि आप उससे क्या करो, खेती करो। और साथ ही साथ जो है बोला जाए, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि चक्र जो है एक सर्किल में खेती करने का नियम निकाला था, चक्र व्यवस्था बोल सकते हो एक तरह से, कि अगर जहां मतलब शिफ्ट कर लो, जो अगर गेहूं बोते हो तो गेहूं के जगह पे जौ बोलो, ठीक है, जौ बोते हो तो वहां पे गन्ना बोलो, तो इस टाइप से शिफ्टिंग टाइप का, कि जो जिस खेत में बोते थे उसको शिफ्ट करके खेती किया करो तो हो सकता है उससे ज्यादा फायदा हो, तो इसने ये नियम निकाला। तो यहाँ पे ये जो आपका ऋण देने वाला था ये भी इसका एक्सपेरिमेंट असफल हो जाता है। क्यों हो जाता है, कि ऋण तो इसने दे दिया, ठीक है, आपको कर्ज तो दे दिया, और कर्ज देने के बाद ये हुआ कि कुछ इसमें भ्रष्टाचार, जो नेता थे आपके में, नेता मतलब इन द सेंस इसके जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचारी निकले। वो क्या किया, अपने मामा को, अपने चाचा को, अपने चाची को, सबको जो है ऋण बंटवा दिए,
अब पैसा आपने में खा लिए, अब वो जित मैक्सिमम जो है आपका रेट चला गया, और इसलिए क्या हुआ जो इसे एमबीटी को ये भी रोकना पड़ा, देखा काफ़ी करप्शन हो गया इस हमारी व्यवस्था से, तो इस वजह से क्या हुआ ये भी उसका जो है प्लान जो है विफल हो गया। तो यहाँ क्या दिखता है भाई, यहाँ इतिहासकार यही कहते हैं कि इसके अंदर जो था एमबीटी के अंदर जो है अपने अधिकारियों पर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं थी, जिसके कारण यह सब हुआ। यही अभी अलाउद्दीन खिलजी होता तो सब कांपते थे वहां पे, क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई भी अगर सुराग निकल जाए किसी के खिलाफ तो क्या करता था वो, दंड में इतनी दंड संहिता उसकी इतनी जो भयानक थी कि लोग सुन के ही जो है कांप उठते थे। तो ऐसा इसके शासनकाल में नहीं था, इसीलिए क्या हुआ करप्शन ज्यादा बढ़ गया, और जब करप्शन बढ़ गया तो जितने प्लान लाया वो क्या हुआ सब क्या हुआ अनसक्सेस हुआ। बाद में यही प्लान जितने इसने इंप्लीमेंट किया था, चाहे वो आपका फिरोज शाह तुगलक आए, और यही प्लान आपका अकबर के समय तक बहुत अच्छे से चलता है, ये जो ऋण वाली व्यवस्था है बहुत सक्सेस होती है आगे चल के, बस इसी के शासनकाल में सक्सेस नहीं होती है। तो इतने अनसक्सेस के बाद लोग किसी को क्या बोलेंगे, पागल ही तो बोलेंगे, इसीलिए इसका नाम पागल पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये योजनाएं इसके विफल क्यों हुए उसके बारे में बता दें। एक तो पहले पॉइंट एक को बता ही दिया कि क्यों हुए, क्योंकि इसके जो अधिकारी हैं वो क्या हो जाते हैं करप्ट निकल जाते हैं, उन पे इनका नियंत्रण नहीं रहता एमबीटी का, इस वजह से ये जितनी इनकी योजनाएं हैं विफल हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये रीजन होता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने बताया एमबीटी क्या था, ये अपने धर्म गुरुओं जो इस्लाम के धर्म ज्ञाता थे उनको समझता नहीं था कुछ अपने आप है, क्योंकि ये बहुत विद्वान था, अपने आप को बहुत चालाक समझते थे। ठीक, इसी वजह से कि पढ़ा लिखा था इसलिए इनकी बातें मानता नहीं था, जब धर्मगुरुओं की बात नहीं मानता था तो जो धर्मगुरु के समर्थक होते थे वो भी एमबीटी के साथ नहीं देते थे, तो वो भी विद्रोह कर दिए। क्यों ये धर्मगुरु इनका साथ नहीं देते थे, मैंने बताया ही आपको कि इसने क्या किया था, भारतीय मुसलमानों का साथ दिया। ठीक है, जैन जो गुरु थे उनका साथ दिया, जो बौद्ध गुरु थे उनका साथ दिया, मतलब उन्हें भी अपने सेना में नियुक्ति किया था, क्योंकि अपने राज्य में नियुक्ति किया था। क्यों? क्योंकि ये किस पे ज्यादा जोर देता था, ये देता था कि इंसान कितना टैलेंटेड है। ठीक है, टैलेंट पे ये जोर देता था, इसीलिए वो नियुक्तियां करता था, और ये लोग उसके खिलाफ थे, इस वजह से भी कहा जाता है कि इसकी योजनाएं क्या हुई विफल हुई। आगे बढ़ जाते हैं, और इसी के शासनकाल में एक पॉइंट और आपका याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसी के शासनकाल में 1333 में अफ्रीका का एक यात्री था, मोरक्को शहर से आया था, जिसका क्या नाम था, इब्ने बतूता। ठीक है, ये आता है, इसका खूब स्वागत करता है एमबीटी और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। 1342 में इब्ने बतूता को भारत से मतलब राजदूत बना के एमबीटी चीनी शासक तोगुन किमूर के पास भेजता है। ठीक है, और वहीं पर रह के जो है ये एमबीटी जो है पूरा का पूरा भारत के बारे में जो एमबीटी के शासनकाल है उसके बारे में ये अपने किताब में लिखते हैं, जिस किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम था रेहला। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इब्ने बतूता द्वारा लिखी हुई किताब का नाम क्या है, तो रेहला नाम है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। फिर बाद में चीन के जो है राजा होते हैं वो क्या करते हैं कि एमबीटी से परमिशन मांगते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में आपके बौद्ध मंदिर है उनका मरम्मत कराने के लिए। ठीक, तो चीन से हमारे कुछ अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं उस समय। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका इस पॉइंट से पूछता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था, तो किस त्यौहार में भाग लेता था भाई, होली में। याद रखना ये क्वेश्चन दो बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि एमबीटी हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था, तो होली में ये भाग लेता था। और क्वेश्चन एक तरह से ये पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार में भाग लिया था, तो कौन था, एमबीटी था। ठीक, इसने अपने सिक्कों पे क्या अपने जो पदवी धारण किया था, अल सुल्तान जिल्ले इलाही, इसे अंकित कराया था। ठीक, 1328 में, ठीक 1328 में दिल्ली सल्तनत पे मंगोल का आक्रमण होता है, इसके शासनकाल में कहा जाता है एक मंगोल का आक्रमण हुआ था, जो कौन किया था, तमिश्रीन ने किया था। कहा जाता है तमिश्रीन जो था कहां तक आ गया था भाई, दिल्ली के से 50 से 60 किलोमीटर दूर जो आपका मेरठ शहर है वहां आ गया था, वहीं झेलम नदी के पास आपका इनका और उनका युद्ध होता है एमबीटी का और
तमिश्रीन का, और तमिश्रीन हार जाता है और इसे जो है वापस भेज दिया जाता है। और इसमें भी इतिहासकार कुछ और कहते हैं, जैसे इसामी और फरिश्ता कहते हैं, इसामी और फरिश्ता कहते हैं कि सुल्तान ने इसे बड़ी मात्रा में धन दिया और इसे वापस कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा विद्रोह के बारे में आ जाते हैं। जो जो विद्रोह मैंने उधर जिक्र किया था आपको कि कहाँ कहाँ हुआ था, कौन कौन किया था, ये सन याद कर लो। उस समय विद्रोह हुए थे 1326-27 में, जब एमबीटी राजगद्दी पर बैठा। उस समय कहाँ विद्रोह हुआ, यूपी में। सागर एक जगह है, ये सागर उस समय यूपी में पड़ता था, मगर इस समय करंटली ये कहाँ है, एमपी में है। ठीक है, करंटली एमपी में है, यहाँ पे विद्रोह हुआ है, यहाँ के जो सरदार थे विद्रोह कर दिए। 1328 में मुल्तान, उच्च और लाहौर के जो इक्तदार थे वो भी क्या किए, इसका विद्रोह कर दिए, और ये विद्रोह असफल रहा, मतलब एमबीटी ने इसे सभी विद्रोह को दबा दिया। 1335 में मदुरई में विद्रोह हुआ, कौन किया था, एहसान शाह ने किया था, इस विद्रोह पे वो सफल हो गया। इसीलिए मैंने नक्शा जो दिखाया था उसमें मदुरई तक क्या था, आपका एमबीटी का शासन नहीं था। ठीक, तो ये 1335 में क्या हुआ, इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1338 में बंगाल का एक इक्तदार था फखरुद्दीन, ये सफल विद्रोह कर देता है, ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। 1336 में जब इसने 27 के बाद राजधानी दौलताबाद से, मतलब देवगिरी से शिफ्ट कर लिया दिल्ली की तरफ, तो क्या हुआ भाई, अभी तक नॉर्थ में बैठा था तो साउथ को आपको कंट्रोल करना मुश्किल था, अब जो है साउथ में जब राजधानी बना लिया तो नॉर्थ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, तो फिर से जब ये दिल्ली गया तो फिर से तो साउथ में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, तो वही हुआ, ये सब साउथ में क्या हुआ, विद्रोह हो गए। 1336 में विद्रोह हुआ, हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम ने क्या किया, आपके देवगिरी के पास ही आसपास एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम ने किया था। ठीक, उसी के बाद 1347 की बात करें तो 1347 में अलाउद्दीन बहमान शाह ने, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता था, इन्होंने क्या कहा, बामनी साम्राज्य की जो है स्थापना की। विजयनगर बामनी साम्राज्य दोनों आसी पास में है। ठीक है, इसी के शासनकाल में कप्पे नामक विद्रोही ने वारंगल को स्वतंत्र कर दिया, जो इस वारंगल पे इसका अधिकार था, जिसे इसने जीता था अपने पिताजी के समय काल में, जिसका नाम इसने सुल्तानपुर रखा था, उसे इसे कप्पे नायक ने क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया इसके शासनकाल में। तो यही धीरे धीरे क्या हुआ, जहाँ जहाँ इसके कब्जे थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए, और जो स्वतंत्र हो गए वो फिर बाद में स्वतंत्र ही रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो ज़्यादा जहाँ जहाँ जो लोग स्वतंत्र रूप से राज करते थे उस पर नहीं जोर दिया, वो किस पे जोर दिया, वो जितने भी आपके इनके धर्मगुरु थे जो एमबीटी से रुष्ट थे उसे मनाने में जोर देने लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई इसके थोड़ी अंतिम यात्रा पे, डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो एमबीटी का जीवन जो है अंतिम समय, जिस समय इसके जीवन काल के अंतिम समय में जो है प्लेग बीमारी भी फैल गई थी, जिसके कारण जो है बहुत अफरा तफरी मच गई थी दिल्ली के आसपास में। तो इसने क्या किया, दिल्ली को छोड़कर यूपी के कन्नौज में स्वर्ग नगरी की एक जगह है, वहाँ पे जो है कुछ समय तक रहता है, और अपने ये लास्ट अभियान में जो सिंध का अभियान करता है उसी समय इसकी क्या हो जाती है, 1351 में मृत्यु हो जाती है। तो उसी समय जो आपके एक इतिहासकार हैं, जैसे इनकी मृत्यु होती है बदायूनी, वो कहते हैं कि भैया सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे इस लाइन से, इस पॉइंट से पूछता है कि बताइए किसने कहा था सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, किसने कहा था और किसके बारे में कहा था, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो किसके बारे में कहा था, एमबीटी के बारे में कहा गया था। तो ये पूरी पूरी आपकी बायोग्राफी किसकी हो गई, एमबीटी की हो गई। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।